दोस्तों चेन्नई सुपर किंग फैंस के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के तगड़े खिलाड़ी की चेन्नई सुपर किंग की टीम में एंट्री हो चुकी है, तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकर ऑलराउंडर बल्लेबाज की एक बार फिर से चेन्नई की टीम में वापसी हो चुकी है। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आज के इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी 10 टीमें की फ्रेंचाइजी ताबड़तोड़ तरीके से आईपीएल 2024 की तैयारी में लगी है, जहां हर टीमों की फ्रेंचाइजी एक दूसरे की टीम को ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों हर टीम के पास काफी कम समय बचा हुआ है नीलामी से पहले कि लगातार 10 टीमें ट्रेंडिंग विंडो के माध्यम से खिलाड़ी को खरीदना शुरू कर दिए हैं। हां दोस्तों, कोलकाता और राजस्थान अपने दो खिलाड़ियों को ट्रेंडिंग विंडो के माध्यम से आइस रख चुके हैं। ऐसे में आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन का डेट भी कंफर्म हो चुका है, जो कि दिसंबर के महीने में होने वाला है। इसलिए दोस्तों सभी टीमें ताबड़तोड़ तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों मेगा ऑक्शन से पहले हर टीम अपना रिलीज लिस्ट और टारगेट लिस्ट भी जारी कर सकती है, उसके बाद ही दोस्तों नीलामी होने वाला है। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहले खबर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ट्रेड करना भी शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पहले खिलाड़ी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के धाकर बल्लेबाज देवधर पाटेकर हैं, जिसको राजस्थान की टीम ट्रेड करना चाहती है। वही दोस्तों खबर की माने तो चेन्नई सुपर किंग की टीम इस खिलाड़ी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, जहां दोस्तों यह कंफर्म माना जा रहा है कि देवधर पाटेकर को चेन्नई की टीम अपने टीम में शामिल कर सकती है। वही दोस्तों देवधर पाटेकर की बात करें तो वह एक शानदार बल्लेबाज हैं, जो कि ओपनिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। वही दोस्तों दूसरे सबसे बड़ी खिलाड़ी की बात करें तो वह है शार्दुल ठाकुर, जो कि पहले भी चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा रह चुके हैं। बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने शार्दुल ठाकुर का नाम आगे रख दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई भी टीम शार्दुल ठाकुर में इंटरेस्ट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोस्तों इनका प्राइस बहुत ज्यादा है। दोस्तों 11.5 करोड़ की रकम रखी गई है, इसलिए दोस्तों कोई भी टीम शार्दुल ठाकुर में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि रिलीज होने के बाद शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने टीम में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दो खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।